अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की दीवी नेमतें बरकतें समेट रहे होंगे। मैं हूं अनवार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बर्ड्स की दुनिया के नाम से। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो गर्मियों की खुराक के हवाले से है कि बर्ड्स को आपने गर्मियों में खुराक किस किस्म की देनी है और किस तरह से अपने बर्ड्स को बचाना है गर्मियों में। तो चलें फिर शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की कि बर्ड्स को आपने गर्मियों में किस तरह से बचाना है और क्या क्या खुराक देनी है। सबसे पहले आप जो कुछ चीज़ें हैं वो है, उसका ख्याल आप लाजमी रखें, जिस तरह हवा का गुज़र होना और एनवायरनमेंट आपने कैसे देना है, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपने अपने बर्ड्स को रखना है। चाहे कमरे में रखें, चाहे शेड रखा हुआ है, और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर आपने छत के ऊपर रखा हो तो वहाँ पर गर्मी का टेम्परेचर बहुत तेज़ होता है। सर्दियों में तो बर्ड्स की हिफाजत करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन गर्मियों में कदरे मुश्किल हो जाता है। तो उसमें जो गर्मियों की खुराक और सर्दियों की खुराक में काफ़ी सारा फ़र्क होता है। गर्मियों में आप जो है इनको सबसे पहले अगर आप देखें तो ग्रीन फूड जो होता है, जिस तरह हम लोग गर्मियों में अमूमन घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह सलाद के पत्ते वगैरह हो गए, धनिया, पुदीना, खीरा, क्यूकम्बर वगैरह, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें ठंडक का एहसास हो। इसी तरह ये चीज़ें हमारे बर्ड्स को भी चाहिए होती हैं। धनिया और पुदीना जो है ये आप लाजमी इस्तेमाल करें अपने बर्ड के लिए। तो अब देना किस तरह है कि तादाद होती है, बहुत ज़्यादा दें तो इनका जो है पेट भी ख़राब हो जाता है, मोशन लग जाते हैं इनको। तो उस हिसाब से आपने ये देखना है कि अगर आपने इकट्ठे छोड़े हुए हैं, आपने तादाद देख लेनी है कि तकरीबन एक एक टहनी या दो टहनियाँ पूरी हो जाएँ, तो इतनी तादाद में आपने धनिया भी दे देना है, पुदीना भी दे देना है। दोनों की तस्वीर ठंडी है और ये काफ़ी बर्ड जो है ना इनको एंजॉय करते हैं। बज्जीज, होगोरोमो, कॉकटेल, एग्जीबिशन, लव बर्ड, ये सब जो है ना बड़े शौक से खाते हैं और तकरीबन बाकी भी बड़े बर्ड जो है ना इसको शौक से खाते हैं। इसके बाद आ जाता है जी खीरा, क्यूकम्बर। इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है और ये अक्सर बर्ड जो है पानी की कमी का शिकार होते हैं, तो खीरा जो है ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। विटामिन भी पूरे करेगा बर्ड के। और जो है आप हमेशा ये याद रखें कि गर्मियों में अगर आपने बर्ड्स को अच्छी खुराक दी होगी तो जब ब्रीड का सीज़न आएगा तो उसमें आपको बहुत सारा फ़ायदा देंगे बर्ड्स, क्योंकि गर्मियों में अगर आप इनकी केयर नहीं करेंगे तो सर्दियों में काफ़ी सारी मुश्किल होती हैं। वो उसकी भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, इंशाल्लाह वो भी आपको चल दूँगा, तो उसमें भी आप देख लीजिए क्या क्या मुश्किल से आपको देखनी पड़ती हैं। खीरे के साथ साथ सलाद के पत्ते हैं वो लाजमी दें इनको, वो भी ठंडा का एहसास होता है। और जो चीज़ ये बर्ड्स खुशी से खाते हैं वो अच्छे तरीके से, वो फिर माहौल भी आप उनको अच्छा देते हैं तो फिर वो ब्रीड भी अच्छी करते हैं। तो ये जो जितनी चीज़ें, धनिया, पुदीना, खीरा, सलाद के पत्ते और उसके अलावा छली आप लाजमी इनको दें, एक तो सॉफ्ट फूड का काम करती है और दूसरा जो है ये हमेशा नर्म आपको देनी है। जिस तरह की अभी मैं ये पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरह बिल्कुल आपने नर्म वाले देनी है। सख्त वाली ये खा नहीं सकते, अगर आधा घंटा या घंटा पड़ी रहेगी तो वो ज़्यादा सख्त हो जाती है। कॉकटेल वगैरह या लव बर्ड तो खा लेते हैं उसको, लेकिन बज्जीज और एग्जीबिशन और ओगोरमो वगैरह उसको नहीं खा सकते। तो आपने कोशिश यही करनी है कि बिल्कुल नर्म वाली आपने चली लेनी है। उसके अलावा तरबूज बेहतरीन चीज़ है, वो आप दें वाटरमेलन इनको, ताकि जो है वो भी पानी की कमी पूरी करता है और ये बड़े शौक से खाते हैं और कोशिश करते हैं नहाने की भी ना। इनके बाद जो सेकंड चीज़ आ जाती है वो है जी आप गंदम इनको भिगो के दें, रात सारी भिगी रहे और नरम हो जाए तो वो दे दें। वैसे तो गंदम जो है गर्म होती है, लेकिन भिगो के रखने से इसकी तासीर ठंडी हो जाती है, वो दें इनको लाजमी। उसके अलावा उबले हुए चावल, बॉइल्ड राइस दें इनको, वो बड़े शौक से ये खाते हैं और उससे भी इनको ठंडक का एहसास होता है। गर्मियों में तो वैसे मूमन लोग ब्रीड नहीं लेते, लेकिन अगर ब्रीड भी आप ले रहे हैं तो ये जो जितनी चीज़ें हैं, चाहे छली, भुट्टा जिसको बोलते हैं, गंदम होगी, बॉइल्ड राइस होगी, ये सारी चीज़ें जो है ना साथ बच्चों के भी फीड कराते हुए भी ना फ़ायदेमंद है। एक तो बर्ड्स के अपने लिए फ़ायदेमंद है और दूसरा जिन जो ब्रीड ले रहे होते हैं उनको तो डबल फ़ायदा हो रहा है इसका। एक तो बच्चे की परवरिश अच्छी होती है, हेल्थी, और जो है ना बड़े अच्छे ग्रो करते हैं। उसके अलावा आप अगर स्प्राउट्स बना सकते हैं तो वो स्प्राउट्स भी इनका बनाएं, गंदम के बना लें, चनों के बना लें, या सब्ज़ दाल होती है एक मूंग की दाल जिसको बोलते हैं, उस दाल के बना लें। मैं तो खुद बजाते खुद मूंग की दाल के बनाता हूँ, क्योंकि गंदम के भी मैं ट्राई करता रहा हूँ चने के, तो वो काफ़ी सारी स्मेल पैदा कर देते हैं।
तो बेहतर ये है कि जो है आप अगर स्प्राउट्स बनाते हैं तो फिर वो आप मूंग की दाल का बनाएं, जो छिलके वाली होती है उसका बना लें, बेहतरीन बनते हैं, ना स्मेल आती है। अगर स्मेल का इशू आपके साथ भी होता है तो जो पानी जिसमें भिगोते हैं तो उसमें कोशिश करें कि सेब के सिरका का एक ढक्कन या दो चम्मच आप वो डाल दिया करें, तो इंशाल्लाह उससे स्मेल भी पैदा नहीं होगी। और एक और चीज़ है जो गर्मियों में आपने उसका लाजमी ख्याल रखना है, कोशिश करें कि गर्मियों में बर्ड्स को पानी जो है ना दो दफ़ा चेंज कर लिया करें, क्योंकि पानी जो गंदा होता है तो तब ही बीमारियां वहीं से स्टार्ट होती हैं। तो वैसे भी इनका पानी जो है ख़त्म हो जाता है दिन के टाइम पे या ऐसे शाम, क्योंकि नहाने की भी ये कोशिश करते हैं तो उसमें जो है ना पानी काफ़ी सारा गंदा भी होता है और ज़ाया भी होता है। तो फ्रेश वाटर हमेशा इस्तेमाल करें, अगर ज़्यादा एक दफ़ा तो लाजमी ही इस्तेमाल करें, नहीं तो कोशिश करें कि दो दफ़ा कर लिया करें, तो उससे बर्ड की जो है हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी और इंशाल्लाह जो है ना कोई बीमारी भी उनके पास नहीं आएगी। उसके साथ साथ अगर आप बड़े बर्तन में पानी रख दें तो ये फिर नहा भी लिया करेंगे, बजीज कॉकटेल एग्जीबिशन ये सारे नहाते हैं, सनेरी हो गया, ये सारे बर्ड जो है ना नहाने की कोशिश करते हैं और खुश रहते हैं, उनको जितना अच्छा माहौल मिलेगा ये उसमें खुश रहेंगे। अगर आप शावर कर सकते हैं इनके ऊपर शावर कर लिया करें, ये जो अक्सर जो स्प्रे वाली गंज मिल जाती है तकरीबन 100-150 रुपए की एक बोतल मिल जाती है, उसमें पानी डाल के इनके ऊपर शावर कर दिया करें, वो भी अच्छा है। बाज़ लोगों ने जो है मशीन वाली रखी होती है उसके साथ स्प्रे करते हैं तो इससे भी काफ़ी सारा जो है ना बर्ड्स खुश रहते हैं। तो इशू सारा टाइम का होता है, आप टाइम निकाला करें बर्ड्स के लिए, लाजमी इनके साथ केयर करें, पंखा वगैरह लगा के रखें जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, कूलर का बंदोबस्त करें, रूम कूलर लाजमी लगाएं। रूम कूलर से थोड़ा सा एक इशू ये होता है कि उसमें जो है ना नमी ज़्यादा हो जाती है ना आपके कमरे में या आपके शेड में, तो उसके लिए एग्जॉस्ट फैन लाजमी आप लगा के रखें ताकि अगर नमी जो बनती है वो साथ साथ बाहर निकलती जाए और अंदर जो है ठंडक का एहसास करे। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरा ये आज का टॉपिक पसंद आया होगा और आप इस टॉपिक की मदद से काफ़ी सारे अपने बर्ड्स की हिफाजत कर सकते हैं, काफ़ी सारी आपकी जो है कैजुअल्टी से बचा जा सकता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबाना मत भूलें, नई नई वीडियोस, मज़ेदार वीडियो और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। अब तक के लिए इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।